हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मई 2019 के टॉप 5 मोबाइल्स की थोड़ा रिव्यू करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन से मोबाइल आपके लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है Realme 3 जो है एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि 8,999 रुपये से शुरू होता है और इसका 3GB प्लस 32GB वेरिएंट जो है 8,999 रुपये में मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे इसे रखा गया है और इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है Redmi Note 7S। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 1,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन रहेगा, जो कि 10,000 रुपये के नीचे है। इसमें जो है आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल AI ड्यूल रियर कैमरा मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 के साथ, और ओरा डिज़ाइन विद ड्यूल कॉर्निंग ग्लास 5 मिलता है, तो इसलिए इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है नोकिया 51। इसे मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि एक तो नोकिया की ब्रांडिंग है और इसमें प्रोसेसर भी ठीक ठाक ही मिल जाता है, हीलियो P80 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। तो इसमें रैम भी 2GB की है और 2GB 3GB है और ये करीब 8,500 रुपये से स्टार्ट हो गया है। और चौथे नंबर पे आता है Asus ZenFone Max Pro M1। ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं था। स्नैपड्रैगन 632 प्योर एंड्रॉयड 8.1 और जो SD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ, ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। और हमारा जो लास्ट स्मार्टफोन आता है वो है Redmi Y3, जिसमें कि 32 मेगापिक्सल की सुपर सेल्फी है और इसका प्राइस जो है वो है 9,999 रुपये। इसलिए हमने इसे 5 नंबर पर रखा है क्योंकि इसका प्रोसेसर भी थोड़ा 632 है। तो आप देख लीजिएगा Asus ZenFone Max Pro M1 और Redmi Y3, इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आपको जो पसंद आता है उसे बाय कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।